गुड आफ्टरनून क्लास। पिछले टर्म पर हम लोग देख रहे थे रोल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डाइजेशन, जिसमें हमने लास्ट टर्म तक देखा था सलाइवरी ग्लैंड और उसका इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में पाई जा रही हैं। कहाँ पाई जा रही हैं? स्टमक में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड्स को हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन या स्टमक में सिक्रेशन को हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। गैस्ट्रिक जूस का नेचर जो है वो कैसा है? एसिडिक नेचर का है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन में हम कह सकते हैं पेप्सिनोजेन, एक सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड का है पेप्सिनोजेन। अरे प्रॉपर्ली ऐसे देख लें हम यहाँ पे, तो ये इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक के इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड होती है। पेप्सिनोजेन एक गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन दूसरा सिक्रेशन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl और तीसरा सिक्रेशन मेन जो है म्यूकस। पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड की सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं जाइमोजेन सेल्स। कौन सी सेल्स कहते हैं? जाइमोजेन सेल्स या चीफ सेल। कौन सी सेल्स? चीफ सेल्स। जाइमोजेन सेल्स या चीफ सेल्स। तो चीफ सेल्स जो हैं वो किसका सिक्रेशन कर रही हैं? पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन कर रही हैं। या HCl का सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स का नाम है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स या इनका दूसरा नाम है ऑक्सेंट्रिक सेल्स। एंड म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली सेल्स जो इनर वॉल में पाई जा रही हैं स्टमक के उन्हें कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स। फिर से एक बार, पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करने वाली सेल चीफ सेल या जाइमोजेन सेल, या HCl का सिक्रेशन करने वाली पेराइटल सेल या ऑक्सेंट्रिक सेल, म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली म्यूकस नेक सेल। ये तीनों का कॉम्बिनेशन पेप्सिनोजेन HCl और म्यूकस हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूस में। अब पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन का रोल क्या है डाइजेशन में? पेप्सिनोजेन का रोल क्या है? तो सबसे पहली बात कि पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको एक्टिव करने का काम जो है कौन करेगा? HCl करेगा। पेप्सिनोजेन को HCl जो है वो एक्टिव करके कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। इसमें कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। और एक्टिव पेप्सिन डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। इसका डाइजेशन करेगा प्रोटीन का।
स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया था, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया था कहाँ, माउथ में, कौन कर रहा था, सलाइवरी ग्लैंड। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन मेनली शुरू हुआ जो है स्टमक में, किसने शुरू किया, पेप्सिन ने शुरू किया, और इस पेप्सिन ने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया। पॉलीमर है ये भी, ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, नेक्स्ट एक HCl का रोल हमें समझ में आ गया। HCl का रोल क्या हो गया, एक्टिव करना, किसको एक्टिव करना, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करना पेप्सिन में, और HCl क्या कर रहा है, HCl का मेन काम हो गया एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर बनाना। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 1.5 से 3.5 पीएच स्केल पे होता है, हाईली एसिडिक। जिससे फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, तो इजी डाइजेस्ट को इजी करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। HCl क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर दे रहा है, और इस हाईली एसिडिक नेचर से यहाँ पे जर्म्स, फूड के साथ आने वाले ढेर सारे माइक्रोब्स जो हैं, वो किल करने का काम भी कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। अब प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, हाईली एसिडिक नेचर है, स्टमक में हार्ड मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो भी जो है डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो स्टमक की वॉल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि स्टमक की वॉल खुद क्यों डाइजेस्ट नहीं हो जा रही, स्टमक की वॉल डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही है, स्टमक की वॉल को जो है प्रोटेक्ट करने का काम जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है सीक्रेशन म्यूकस, म्यूकस ने क्या किया, एक 3 मिलीमीटर मोटी थिक लेयरिंग कर रखी है, किस पे, इनर वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के इनर वॉल की लेयरिंग करने के कारण म्यूकस का काम क्या हो गया, म्यूकस का काम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल, प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल किससे, एसिडिक नेचर से। एक बार फिर से, गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस में 3 सिक्रेशन मेन, एक पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, डाइजेशन करेगा प्रोटीन का, HCl का 6 सिक्रेशन, पेराइटल सेल ऑर्गेनिक सेल करेंगी, HCl का सिक्रेशन क्या करेगा, एसिडिक नेचर बनाएगा, जर्म्स को किल करेगा, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और उस म्यूकस हमारी इनर वॉल को स्टमक के प्रोटेक्ट करेगा।